बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का पश्चिम बंगाल का दौरा आज दूसरा और अंतिम दिन है। दौरे के पहले दिन यानी बुधवार को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ममता सरकार के खिलाफ हुंकार भरी। इसी दौरान उन्होंने कहा कि 2021 विधानसभा चुनाव में बीजेपी यहां 200 सीटों से विजयी होगी। दौरे के दूसरे दिन नड्डा ममता बैनर्जी के भतीजे यानी अभिषेक बैनर्जी के संसदीय क्षेत्र डायमंड हार्बर में रैली कर रहे हैं, तो वहीं शाम में नड्डा प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित भी करेंगे। और नड्डा ने कार्यकर्ताओं से 2021 चुनाव में राज्य से ममता सरकार को उखाड़ फेंकने की अपील भी की है। इसी के साथ टीएमसी में चल रहे अंदरूनी कलह पर निशाना साधते हुए परिवार की पार्टी बताया है। ममता सरकार पर हमला बोलते हुए नड्डा ने कहा है कि बंगाल की जनता बीजेपी के साथ है और मोदी के साथ बंगाल में अब अंतिम छलांग लगाने बाकी है और वो अब हम लोग आपके आशीर्वाद से 2021 में लगाएंगे। और साथ ही कहा कि यहां ममता की सरकार को उखाड़ देंगे और बीजेपी सरकार बनाएंगे। बंगाल में बीजेपी की कामयाबी गिनाते हुए नड्डा बोले हैं कि बंगाल में बीजेपी ने एक लड़ाई लंबी लड़ी है और 9 साल पहले बंगाल में हमारा वोट प्रतिशत 4 था और 2014 की अगर बात करें तो हमारी सीटें 2 हो गई है और हमारा वोट प्रतिशत 18 पहुंचा। 2019 में हमारी सीटें 18 हुई और हमारा वोट प्रतिशत 40 पहुंचा। 2021 की अगर बात करें 2021 के चुनाव में बीजेपी 200 सीट से विजयी होगी। तो इस पे तमाम जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता वरिष्ठ पत्रकार राजीव रंजन जुड़ गए हैं। राजीव, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का पश्चिम बंगाल दौरे का आज दूसरा दिन है, तो जिस तरीके से बुधवार को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ममता सरकार के खिलाफ हुंकार भरी, तो आज उनका दूसरा दिन है, तो इसी के साथ नड्डा ममता बैनर्जी के भतीजे यानी अभिषेक बैनर्जी के संसदीय क्षेत्र डायमंड हार्बर में रैली कर रहे हैं। देखिए करिश्मा, वेस्ट बंगाल का जो चुनाव है वो विधानसभा का चुनाव जो आ रहा है, भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ने जा रही है, इसलिए ये जो कंटेस्ट है वो इंटरेस्टिंग हो गया है। और जिस प्रकार से अभी की तारीख में आप देख रहे हैं कि वहाँ जो कम्युनिस्ट पार्टीज हैं प्लस कांग्रेस से साथ मिल करके चुनाव लड़ने का फैसला किया है, तो इस प्रकार से वेस्ट बंगाल में को ना मुकाबला का एक प्रॉपर माहौल बन चुका है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी, तृणमूल कांग्रेस और लेफ्ट कांग्रेस का अलायंस के रूप में चुनाव लड़ा जाएगा। लेकिन अब देखने वाले जी ममता बनर्जी के 10 साल हुए हैं और साल ने जिस प्रकार से वहाँ वेस्ट बंगाल में काम किया और जिस एग्रेशन के साथ भारतीय जनता पार्टी आज इन्होंने अपने आप को एक अपोजिशन के रूप में, प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी के रूप में उन्होंने अपने आप को वहाँ इस्टेब्लिश कर लिया है, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी एक प्रमुख और बहुत ही एक पावरफुल पॉलिटिकल प्लेयर के रूप में वेस्ट बंगाल में उभर रहा है। और भारतीय जनता पार्टी जितना आगे बढ़ेगी, कांग्रेस और लेफ्ट पार्टी उतने ही वो पीछे जाएंगे, क्योंकि मुकाबला जो है वो मुख्य रूप से ममता बनर्जी और भारतीय जनता पार्टी के रूप में हो जाएगी। अगर कांग्रेस और लेफ्ट पार्टीज के परफॉर्मेंस में, उनकी प्रिपरेशंस में अगर कोई उछाल, अगर वो एग्रेशन नहीं आता है, तो विधानसभा चुनाव हो सकता है कि ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच की लड़ाई हो करके रह जाएगी। अब जिस तरीके से नड्डा रैली कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि ये रैली के दौरान जनता का ध्यान अपनी तरफ खींच पाएंगे चुनावी रैली के दौरान? देखिए, वेस्ट बंगाल का जो डायनेमिक्स है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। बिल्कुल मैं इस बात से सहमत हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के लिए वहाँ एक स्कोप है, जिस प्रकार से वहाँ लेफ्ट पार्टीज और तृणमूल कांग्रेस के बाद कोई थर्ड अल्टरनेटिव के रूप में कांग्रेस को अपने आप को प्रोजेक्ट करना चाहिए था। कांग्रेस चूंकि वहाँ एक नेशनल पार्टी के रूप में अब काफी पीछे जा चुका है, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए वहाँ एक बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है और भारतीय जनता पार्टी इस बात को ध्यान में रख करके काफी मेहनत भी कर रही है। लेकिन यहाँ एक बात यह कहना बहुत जरूरी होगा कि वेस्ट बंगाल का जो पॉलिटिकल डायनामिक्स है वो थोड़ा डिफरेंट है। हम अगर लोकसभा के आधार पे हम अगर कंक्लूड करते हैं कि लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार वहां परफॉर्म किया, तो नेचुरली अगर वो रिपीट होता है तो भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी पार्टी के रूप में विधानसभा चुनाव में भी उभरने की पूरी संभावना बना करके रखी हुई है। लेकिन अभी थोड़ा मुझे लगता है कि जल्दीबाजी होगा,
क्योंकि वहाँ का जो, जैसा कि मैंने कहा, पॉलिटिकल डायनेमिक्स है वो बिल्कुल डिफरेंट है, और वहाँ कैडर बेस्ड जो पार्टियां हैं, चाहे वो टीएमसी हो, लेफ्ट पार्टी हो, बीजेपी का भी एक अपना स्ट्रांग कैडर है। तो लेकिन एक महत्वपूर्ण चीज जो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जा सकता है, जनता पार्टी के पक्ष में जाता हुआ दिख रहा है, कि वहां का लोग में कहीं ना कहीं एक इच्छा है कि चलो एक बार भाजपा को भी ट्रेन भी किया जा रहा है किसानों द्वारा। किसान जो प्रदर्शन कर रहे हैं, इसका असर तमाम जगह पे भी देखने को मिल रहा है। क्या लगता है इस रैली में क्या कुछ असर देखने को मिलेगा इसमें? नहीं, अभी ये सब क्योंकि वो इतना दिनों तक ये सस्टेन नहीं कर पाएगा इस प्रकार के इश्यूज, तो मुझे नहीं लगता है कि वहाँ की जो विधानसभा के चुनाव के रिजल्ट पे इसका कोई डायरेक्ट इंपैक्ट होगा। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि एक माहौल बनाने में इन सब चीजों की एक भूमिका है, और अभी थोड़ा इंतजार हमें करने की जरूरत है। लेकिन इतना आज की तारीख में दो बातें स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी एक मजबूत पोजिशन में है टीएमसी को टक्कर देने के लिए वेस्ट बंगाल के आने वाले विधानसभा के चुनाव में। तो राजीव, इसी दौरान अब जेपी नड्डा दावा कर रहे हैं कि 2021 के चुनाव में बीजेपी 200 सीट से विजयी होगी। देखिए, दावा तो पॉलिटिकल पार्टीज को करना ही चाहिए, दावा भारतीय जनता पार्टी भी कर रही है, तो कहीं ना कहीं उनका एक अपना असेसमेंट है। तृणमूल का भी दावा है कि हम लगातार तीसरी बार चुनाव जीतेंगे और ज्यादा सीट से जीतेंगे, और लेफ्ट पार्टीज और कांग्रेस का भी दावा है कि इस बार हम काफी इम्प्रूव करेंगे। तो मुझे लगता है कि दावा तो पॉलिटिकल पार्टीज में, चूंकि एक इलेक्टोरल डेमोक्रेसी में आपका जो क्लेम्स है, इस प्रकार के क्लेम्स का काफी अहमियत है। हाँ, यह बात जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी वहाँ काफी मेहनत कर रहे हैं, उनके जो स्टेट यूनिट के प्रेसिडेंट हैं मिस्टर घोष, वो काफी मेहनत कर रहे हैं, और सेंट्रल लीडरशिप भी वहाँ काफी मेहनत कर रहे हैं, और वेस्ट बंगाल में भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार लोकसभा में अपना परफॉर्मेंस को इम्प्रूव किया, उन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी फिलहाल ट्रैक पे है। तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजीव रंजन तमाम जानकारी देने के लिए। देश दुनिया की खबरों के लिए एएनबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।